The view is amazing, amazing, amazing. हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हरिद्वार से ऋषिकेश का सफ़र पूरा किया था एक ट्रेन के द्वारा, और वहां पे मैंने कर रखी थी बुकिंग। ऋषिकेश में एंटर होते ही पहाड़ों का नज़ारा शुरू हो गया था, और मैं पर्सनली रह रही थी लिव फ्री में। सो दिस इज द बंक बेड आई बुक्ड। इधर एक वॉशरूम सिचुएशन चल रही है। दिस इज मी, हाय। एंड ऐसे बंक बेड्स हैं, एसी वाला मस्त एकदम बढ़िया सा रूम है। रूम लाइक बेड्स आर रियली क्लीन, यू कैन लाइक पुट योर स्टफ हियर नीचे। एंड या यू विल गेट फैन आल्सो, एसी, एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग। वी हैव चादर, एकदम बढ़िया से सामान। एंड टॉकिंग अबाउट द बाथरूम सिचुएशन, यू विल गेट एन एग्जॉस्ट फैन, शावर, ठीक है, सब कुछ एकदम बढ़िया से क्लीन है। वी हैव वॉशरूम, टॉयलेट पेपर्स, गीजर, दैट्स अगेन मी। आई एम फीलिंग रियली एम्बैरस्ड। वी हैव हैंड वॉश आल्सो। आर यू, आर यू, दिस इज लिव फ्री हॉस्टल, और फिर सामने ही ना सारे हॉस्टल है। हॉस्टल रो गया तो बस चलिए। तो जैसे आप लिव फ्री है, फिर हॉस्टल से बाहर उतरेंगे ना, यू विल गेट टू सी ऑल दीज छोटी छोटी बसेज एंड टेम्पो ट्रैवलर्स, which will take you to the first base camp, which is Kharchi, I guess. I'm really bad with names, and I'll keep you guys updated. और बहुत ही ज़्यादा शांत और अच्छा लग रहा है। Atmosphere is 10/10. So that's hosteler, this is live free, and this is Tapasthali. और फिर यहाँ से जस्ट बाहर निकलते you'll get to see all these tempo travelers. बाहर काफ़ी अच्छे खासे कैफेज भी हैं। एंड या टेम्पो ट्रैवल में बैठने के बाद अपनी गंदी सी वीडियो स्किल्स खोले के मैंने फिर से वीडियो शूटिंग शुरू कर दी थी। सो गिविंग यू द ब्रीफ अबाउट द ट्रैक हियर इज के आई एम वॉकिंग अलोन, आई एम ऑन अ सोलो ट्रिप। रास्ते के बीच में बैठ के मैं बात कर रही हूँ। एवरीवन इज देयर, वहाँ पे ना सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं, पराठे इज एंड स्टफ, बट आई डिडंट वांटेड टू ईट मच, सो आई जस्ट हैड चाय एंड बिस्किट। द सन हिट्स सो गुड, यू कैन ऑलरेडी सी, एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज सो ब्यूटिफुल। लेट मी शो यू, दिस इज द व्यू। नीचे नदी बह रही है और आजू बाजू ना एकदम बड़े बड़े से पहाड़ है। अब हम लोग ने वापस से हमारा सफ़र शुरू कर दिया। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ देव प्रयाग का। कहा जाता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से जब असुर और देव के बीच में अमृत को लेकर संग्राम शुरू हुआ था, तब वहाँ समुद्र में से धन्वंतरी जी अमृत लेकर प्रकट हुए थे, और उन्होंने वह अमृत देवताओं में बांट दिया था। ये भी कहा जाता है कि जब धन्वंतरी जी वहाँ पर अमृत लेकर प्रकट हुए थे और उन्होंने देवताओं में जब वो अमृत बांटा था, तब उस अमृत की कुछ बूंदें इन नदियों के संगम पर गिर गई थी, और फिर उन नदियों के संगम से हमारी पवित्र गंगा नदी उत्पन्न हुई। So we have came to Srinagar, and that is Dhara Devi ka mandir. तो ऐसा कहा गया है कि इसी नदी के आगे एक डैम है, जिसकी वजह से नदी का बहाव और उसमें पानी जो है वो ज़्यादा हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना था कि अगर मंदिर डूबा तो कुछ अपशगुन होगा, जो कि हुआ भी शायद। कि इन लोगों के हिसाब से केदारनाथ का जो फ्लड हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि धारा देवी का मंदिर जो था वो डूब चुका था। तो फ्लड के बाद ये मंदिर को की ज़मीन उठाया गया और फिर उसके नीचे पिलर्स बनाए गए, और अब इस नदी का बहाव काफ़ी ऊपर आ गया। पहले इतना नहीं था, पहले मंदिर तक ही था। और बस फिर थोड़ी देर सुकून से बैठने के बाद, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद, हम लोग फिर से हमारे बेस कैंप की जर्नी पे निकल गए थे। मैं पर्सनली एक्साइटेड थी नंदा देवी को देखने के लिए और अपना ट्रैक करने के लिए, लेकिन उसके पहले हमने बहुत ही सुंदर पहाड़ देखे, और द्रोणागिरी पर्वत का भी हमने बहुत अच्छी तरह से लुत्फ़ उठाया। द्रोणागिरी पर्वत की भी बहुत एक खूबसूरत सी कहानी है, जो आपको इस वीडियो में या फिर उसमें ज़रूर सुनाऊँगी मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और हम बस श्रीनगर के छोटे छोटे जगहों से गुजरते हुए हम पहुंच गए थे हमारे बेस कैंप पे, जो था खर्ची। फिर एक रात वहाँ आराम करने के बाद मेरे दिन की शुरुआत हुई इस नज़ारे से। ये जो सामने आपको पर्वत दिख रहा है, ये है द्रोणागिरी पर्वत। दिस
this is the morning view. It's almost around 7 and yahan pe samne Dronagiri parvat hai. Can you see that one? ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी ने ना जब भी उनको जड़ी बूटी चाहिए थी ना तब वो इसी पर्वत से लेके गए थे. और अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे देर आर माउंटेन्स लेकिन इस साइड कुछ नहीं है, राइट? सो इट्स बिकॉज दिस है कि इस वाला साइड का ना हिस्सा वो उठा के लेके गए थे. और यहीं पे ना नीचे बेस पे एक गाँव है, वहाँ पर हनुमान जी को नहीं पूजते हैं क्योंकि वो पर्वत का हिस्सा ले गए थे. तो इट्स लाइक एंड वहीं पे ना नीचे एक बेस भी है जहाँ पे गांव है, वहाँ पे हनुमान जी को नहीं पूछते हैं, कहते हैं कि एज बिकॉज हनुमान जी ने उनके पहाड़ का हिस्सा ले लिया था तो उन्होंने पूजना बंद कर दिया. सो दिस इज आर बेस गैम खर्ची में एंड आई विल शो यू. अभी एवरी वन इज हैविंग टी देयर, वहाँ पे उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है. द्रुमनागिरी से लेकर वोक अप एट 6:45 आई गेस एंड तब से मैं सनराइज देख रही हूँ. इट्स लाइक सो अमेजिंग. Keep you guys updated. I'll show you around. Base camp कैसा है, washrooms, the terrace area, the dining room and stuff. आज हमारे ब्रेकफास्ट में है रवा इडली और एग्स भी. यहाँ पे जैन और वीगन के लिए भी आप अलग से बोल सकते हैं तो वो आपका खाना अलग निकाल देंगे. मैं भी यहाँ पे अच्छे खासे व्यू के साथ अपनी रवा इडली एंजॉय कर रही थी. और फिर हमको स्पाइक्स दिए गए थे क्योंकि आगे थोड़ी सी बर्फ़ थी, जस्ट इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम ये यूज़ कर सकते थे. एंड यहीं से आप रेंटल्स भी ले सकते हैं, दे विल प्रोवाइड यू हियर ओनली. दीज आर सेव वाटर के इनके जो थोड़े प्रोसेस हैं वो, ये इनका बायो टॉयलेट है. यहाँ पे उन्होंने ना खर्चे पे खाली रोटी से डेमो के लिए रख रखा है तो ऊपर ना आपको इस तरीके के लिक्विड्स वगैरह मिलेंगे, हैंड वॉश एंड यू नो बर्तन धोने के लिए. आजू बाजू ड्रम में सिर्फ थोड़ा सा पानी रहेगा. यहाँ पे जैसे ये मग्स हैं, यहाँ पे 3-4 छेद होंगे, उतने से पानी में आपको बर्तन धोने हैं. तो सेव वाटर एंड ये बायो टॉयलेट्स हैं जहाँ पे आप पानी यूज नहीं कर सकते बट यू विल गेट सॉ डस्ट. एंड वही नीचे ना पिट लिखा खोदा हुआ है एंड यू कैन जस्ट पूप एंड एड द सॉ डस्ट एंड यू आर गुड टू गो. दैट्स इट. आई लव द व्यू इधर से वहाँ पे माउंटेन्स एंड यहाँ पे पीछे इसके पीछे द्रोणगिरी पर्वत एंड दीज. ओके सो एवरीवन इज गेटिंग रेडी. या एवरीवन इज गेटिंग रेडी. बाजू में एकदम बाजू में से ना वाटरफॉल हो रहा है, लेट मी शो यू. तो ये वाला वाटरफॉल ना वहां से आ रहा है. इट्स सो गुड. इतनी सही आवाज आ रही है ना यार यहाँ पे. एंड एवरीवन इज गेटिंग रेडी. ट्रैकिंग पोल्स वगैरह ठीक कर रहे हैं, शूज अच्छे से बांध लिए हैं. आई विल शो यू हाउ टू टाई द शूज एंड ट्रैकिंग पोल स्टफ. सो या ओके सो वी स्टार्टेड द ट्रैक. अभी तक ना हम वहां से वो वाला पहाड़ देख रहे थे और अब यहां से ये पहाड़ इतना सुंदर दिख रहा है. दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट माउंटेन्स क्योंकि आप जितनी बार भी एक ही ट्रेल करोगे ना यू विल गेट टू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ अ माउंटेन एवरी टाइम. कैन यू सी दैट? अरे वहां पे विलेज है, खर्चा विलेज. That's our base camp. भैया यहाँ से खड़े रह के कह रहे हैं ऊपर से आ जाओ ऊपर से. ये ऊपर पता नहीं कहाँ से बुला रहे बट इतना पता ही यहाँ से अगर एक पैर नीचे गया तो सीधा ऊपर पहुंचेंगे फिर. बट चलो चलते हैं. अभी काफ़ी असेंड करने के बाद सारे थक चुके थे थोड़े तो यहाँ पे हम बैठ चुके हैं और सामने हमको ना बहुत सुंदर सा द्रोणागिरी का व्यू दिख रहा है. अभी हमारे लोकल गाइड जो है हमें ये द्रोणागिरी की हनुमान जी की कहानी सुनाएंगे जो कि मैंने आपको पहले सुना दी है. Look at the view. गाय चारा खा रही है. हमें ना वहाँ कहीं नीचे से चढ़ के ऊपर की तरफ आए. ऐसी मौत हो रखी है ना लोगों की.
एंड दैट्स वहाँ पे से कहीं पे हमारा ट्रक लीडर चिल्ला रहा है. वी हैव रीच्ड अस फर्स्ट कैंप साइट. लेट मी टेल यू हाउ यू कैन ट्रांसफर योर शूज इनटू सैंडल्स ताकि आप ऐसे नॉर्मल बेस कैंप पे चल सको. सो दिस इज माई सैंडल नाउ. ओके तो यहाँ पे ना हुक्स दिए हैं. रिमूव वन फ्रॉम ईच साइड. दिस वे यू डोंट हैव टू टाई योर शूज एवरी टाइम यू डू इट. ओके रिमूव इट. पुल आउट द टंग. अपने लेसेस को अंदर डाल दो ताकि इट वोंट हर्ट. एंड या टू डू फन फैक्ट आई एम वेयरिंग टू कलर्स ऑफ सॉक्स. हेलो फ्रॉम द टेंट. हैव द अमेजिंग लंच. आई एम टेलिंग यू खाना तो इतना भरपेट खाने को मिलता है ना विद वेराइटीज. एज यू हैव सीन दैट इन लंच यू हैव हैड फ्राइड राइस एंड मंचूरियन सूप विद पापड़ एंड सैलड. सैलड आई डोंट ईट बिकॉज आई एम एलर्जिक टू क्यूकम्बर्स. आई कैनॉट टच विद देम. सो आई डिडंट ईट सैलड विच वॉज प्रीटी गुड बट द व्यू इज सो गुड नाउ. हेलो फ्रॉम द टेंट. सो यू गेट अ स्लीपिंग बैग ओनली एंड नीचे ना मैट रहता है. एंड अभी कुआरी पास में इट्स रोली कोल्ड. लाइक आई एम वेयरिंग इनर लेयर इन ऊपर से आई एम वेयरिंग अ फ्लीस. माई ईयर्स आर कवर्ड. आई एम वेयरिंग अ फ्लीस पैंट ऑल्सो. एंड इट इज रोली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज बीच में अभी बारिश भी हो गई थी काफ़ी और ठंडा है. इतना तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ ना दिख रहे हैं यहाँ से. तो जब तुम्हें ना कुछ चीज़ दिखती है ना तो तुम्हें वो ज़्यादा लगती है. तो अब जब हवा आ रही है ना तो मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि वो बर्फ़ से होकर आ रही है. इट डजंट मेक सेंस आई गेस बट इट इज. नाउ इट्स टाइम फॉर स्नैक्स. सो विल गो एंड हमें ना भर पेट चार वक्त का खाना मिलता है. ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर. एंड आई लेट यू नो वट यू आर हैविंग इन स्नैक्स ऑल्सो. बट या इफ यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक कवर योर सेल्फ. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई विल से. माई स्किन डज लुक गुड. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ यू नो आई डोंट नो व्हाट बट स्टिल आई लुक गुड. वी हैव आलू चाट फॉर स्नैक्स. मस्त बढ़िया से चने आलू खाने के बाद हम यहाँ पे झरने के पास आ गए एक इवनिंग वॉक के लिए. बहते हुए पानी की सुकूनदायक आवाज़ के साथ ये वीडियो खत्म होता है यहीं पे. मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में. बाय बाय.